हेलो दोस्तों, राजू स्पेस टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि बायोस की जो फाइल होती है उसको कैसे सेव करा जाता है। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर है जिसका मॉडल नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है RT809H। तो चलिए कैसे बायोस को सेव करते हैं, कैसे इसकी फाइलों को सेव करते हैं वो हम आज सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बायोस कॉपियर आपका कनेक्ट होना चाहिए सीपीयू से, जो कि कनेक्ट है हमारा। और देखिए यहाँ पे पावर की एलईडी भी ग्लो है। तो देखिए बायोस लगाने का भी, जो ये देखिए मैंने एक मदरबोर्ड में से ऑलरेडी पहले बायोस चिप निकाल रखी है जो कि 8 लैक की है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, और लगाने का भी तरीका होता है। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह लगेगी चिप। तो देखिए यहाँ पे इस बायोस में, देख मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप इस साइड रखेंगे और बायोस जो सॉकेट है इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेंगे, तब ये यहाँ पे फिट हो जाएगी आईसी। और जो आईसी है हमारी, ये आप जो ट्रैक देख रहे हैं इसकी पिनें इससे टच होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे ये प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर रन हो गया है, और सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी जो आईसी इसमें लगी है वो बिल्कुल सही लगी हुई है कंडीशन में या नहीं है। तो इसके लिए स्मार्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारी बायोस बिल्कुल गुड है, हर पिन इसमें कनेक्टेड है चिप सर्किट से, और ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको रीड कर लेंगे, रीड पे क्लिक करेंगे। देखिए रीड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ टाइम में प्रोसेसस कंप्लीट हो जाएगा, और अब आप देख पाएंगे कि ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे प्रोसेस अपने आप ही, ये अब आ गया आपका सेव करने का पाथ। आप सेव कहाँ करेंगे, आप जैसा कि यहाँ पे ये डाउनलोड है यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये जो बायोस है ये HP 280G4 की बायोस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड, देखिए ये रहा, और कीबोर्ड से लिख देता हूँ 280, आप देख रहे हैं G4, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे HP 280G4, इसके बाद कर देंगे हम मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, और यहाँ से अब हम कर लेंगे इसको, ये देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लोज कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 280G4 का बायोस सेव। तो एक बार हम डाउनलोड यहाँ पे चले जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और देखिए ये रहा HP 280G4 का मदरबोर्ड बिन। तो ये इस तरह आप अपनी कोई भी बायोस इस तरह सेव कर सकते हैं, कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ ध्यान रखें। सबसे बेसिकली इसमें चीज़ है, आप जो टेक्निकल चीज़ है वो है बायोस की, आप चिप वन बाय वन करके इससे टच रहे सॉकेट से, और जो बायोस है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कुछ फाइलें करप्ट होती हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा, तो आप समझ जाइए या तो आपका बायोस सही नहीं लगा है, बायोस चिप सही नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।